हेलो दोस्तों, क्या हालचाल भाई सभी के हैं। यार आज की वाली वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले भाई सबमर्सिबिलिटी सेक्शन पर। यार इन फ्यूचर इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद क्या वंदे भारत ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी? तो भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन भी है भाई, लोगों के बीच में डाउट भी आ रहा है, एक हाइप भी बनी हुई है कि भाई इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वंदे भारत ट्रेन चलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली और साथ ही में कुछ अपन खास टॉपिक के बारे में बात करेंगे भाई। और आई बटन में लिंक मिल जाएंगे मेरे प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने अपलोड किए थे इलेक्ट्रिफिकेशन रिलेटेड, तो भाई वो आप देख लेना, ठीक है ना। अब भाई बात करते हैं कि भाई सबमर्सिबिलिटी सेक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो वंदे भारत वो चलेगी। तो मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल नोट कोई नहीं है भाई अभी तक, ठीक है ना, कि इस सेक्शन पे इन फ्यूचर चलेगी, ठीक है। वो तो भाई कब होगा, जब ये कंप्लीट इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा, ट्रायल होंगे एंड उसके बाद भाई नॉर्मली जो एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है, लाइक अभी जो साबरमती ट्रेन चल रही है, तो उनको भाई ई लोको दिया जाएगा, ठीक है ना। एंड उनको ई लोको देने के बाद भाई वो ट्रेनें जब अपनी नॉर्मल चलेगी तो उसके बाद ही भाई देखा जाएगा कि इस सेक्शन पे अप्रूव है नहीं है भाई, ठीक है ना। मतलब फिर ही भाई रेलवे बोर्ड को अप्रूव भेजा जाएगा, ठीक है ना। अब वो भाई फ्यूचर ही पता चलेगा भाई वो कौन से सेक्शन पे चलेगी ट्रेन, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, जो प्रपोजल लेटर जाएगा तो भाई वो देखते हैं कौन सा रेलवे को जाएगा, क्योंकि भाई अपने सेक्शन पे ना भाई दो डिवीजन लगते हैं, वेस्टर्न रेलवे एंड डब्ल्यू और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। अब भाई कौन से रूट पर चलेगी कुछ भाई अभी तक नहीं अपन कह सकते, ठीक है ना। और भाई मिलेगी भी नहीं मिलेगी ये भी कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी भाई मेन एग्जिस्टिंग जो डिमांड है भाई उनको ध्यान पे देना चाहिए। लाइक मैं आपको बता दूं कि भाई दिल्ली के लिए ट्रेन है, जयपुर के लिए ट्रेन की मांग है, तो भाई वो पूरी होनी चाहिए। एंड भाई जो है लाइक अभी बीच में चेन्नई, मतलब जो ट्रेन चली थी चेन्नई से जालौर होते हुए जोधपुर के लिए, वो भी भाई लाइक सबमर्सिबिलिटी सेक्शन में जो ट्रेन चली थी चेन्नई के लिए भाई, तो उसको भी परमानेंट करना चाहिए। ऐसी मांगें जो ज़्यादा ज़रूरत है भाई उनको पूरा करना चाहिए। मुंबई के लिए तो भाई रेगुलर ट्रेन इस रूट पर होनी ही चाहिए। तो अगर आप मेरे से सहमत है तो भाई कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना भाई। और आप इसका क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे भाई, कमेंट जरूर कीजिएगा भाई। वंदे भारत ट्रेन मिलनी चाहिए, बट मैं पहले मेरा सजेशन ये रहेगा भाई पहले एग्जिस्टिंग ट्रेनें चलानी चाहिए, ठीक है ना। एंड भाई अभी यार दिमाग से निकाल ही लो कि भाई इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद भी भाई वंदे भारत ट्रेन चलेगी। तो अभी टाइम लगने वाला है इस चीज़ को, ठीक है, कि ट्रेन मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होकर चल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है भाई, अभी बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ को, ठीक है ना। हालांकि भाई अपने पास कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों कैसी लगी एक छोटी सी वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर आपकी राय जरूर कीजिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। सो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपनी कम्युनिटी जुड़ने के लिए, ठीक है ना। और ट्विटर पे वगैरह पे आ जाना भाई, ठीक है ना, वहाँ पर भी अपने एक्टिव मिलते ही हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। एंड वापस से कह रहा हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बड़े यार, इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।